हे गाइस, वेलकम बैक टू वेबसाइट विद हनी चैनल। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताना सर हमारे HTML के कोर्स का आज 12th डे है, और आज मैं आप सभी को बताऊंगा आप कैसे यूज़ कर सकते हो हमारे गाइस मतलब VS कोड में एक टैग जो है गाइस हमारा इनपुट टैग, और वो आप यूज़ कर पाओगे अपने HTML में। तो कैसे यूज़ करते हैं हमारे इनपुट टैग को HTML में, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अगर आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करते तो वो भी कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे आना है हमारे VS कोड में। आने के बाद आप सबको यहाँ पे हमारा लिखना है, आप सबको तो पता है हमारे गाइस HTML का सबसे बेसिक एक्सक्लेमेशन मार्क आपको एमिट कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो बॉडी में आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं गो विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे लाइव सर्वर मैं चेक कर लेता हूँ। तो हमारे गाइस 5509 पे यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइव सर्वर सबसे पहले ओपन कर देता हूँ। तो हमारा लाइव सर्वर यहाँ पे 5500 है, तो यहाँ पे आप सबको लिखना है लोकल होस्ट, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो लोकल होस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे आप सबको यहाँ पे कॉलम यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आप सबको लिखना है 5509 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबको रिफ्रेश करना है, मतलब आपको एंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप सभी को देखने को मिल जाएगा, कोर्स सर्वर में जाते हैं तो यहाँ से आप सभी को देखने को शो हो जाएगा। तो हमारा फाइनल दोस्तों यहाँ पे बन चुका है हमारे index.html का। अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिखा, तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर अब आज हम लोग जानते हैं हमारे गाइस क्या होता है इनपुट टैग। सबसे पहले यहाँ पे ड्यू टैग आपको बना देना है। ड्यू टैग मतलब एक न्यू सेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, वो सब तो आपको पता होगा अगर आपने मेरी पुरानी HTML का फुल कोर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं ड्यू टैग के अंदर आप सबको एंटर क्लिक करके स्पेस देना, फिर यहाँ पे आपको लिखना इनपुट टैग। अभी इनपुट टैग क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट टैग आप सबको मतलब एक प्रोवाइड करके देता है एक आईडी या फिर कोई भी टाइप। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करता है बहुत सारे सेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको चेक बॉक्स मिलता है कलर डेट टाइम। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ डेट टाइम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डेट टाइम लिखता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसे अगर क्लोज करके देखता हूँ तो हमारे लाइव सर्वर में कैसा शो होता है। तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर रन करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हमें दिखा रहा है एक मतलब स्पेस। अब यहाँ पे आप कुछ भी नंबर्स लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मतलब काम आता है। अब एक काम हमारा जो है हमने यहाँ पे तो लिख दिया, अब इसके बाद आता है हमारा एक प्लेस होल्डर टैग। मतलब आप सबको वहाँ पे लिखा है आपको क्या लिखना है वहाँ पे। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे आप सबको लिखना है हमारा जो मतलब प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर जो भी आप लिखोगे हमारा जो बॉक्स है उसके पीछे बैकग्राउंड में आप सबको देखने को मिल जाएगा, पर वो उसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं देखने को मिले। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखना है। फिर यहाँ पे आप सबको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है हमारा VS कोड। इसके बाद आप सबको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था एंटर डेट। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हमने मतलब यहाँ पे डेट टाइम का यूज़ किया है, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड में एंटर डेट लिख कर आ चुका है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो हमारे इनपुट टैग को। तो इनपुट टैग के अंदर अब भी बहुत सारे टाइप होते हैं। यहाँ पे आप आईडी यूज़ कर सकते हो, किसी की भी आईडी यहाँ पे मतलब आईडी बना सकते हो आईडी को। ये मतलब इनपुट टैग बहुत काम आता है अगर आपको मतलब CSS अगर यूज़ करना है, अगर आपको पर्टिकुलर एक चीज़ को आपको कलर करना है उसके बैकग्राउंड को, तो ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टाइप में। तो चलिए वो टाइप में आप सभी को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमारा इसे यहाँ से मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखते हैं हम इक्वेस्ट का सिंबल देते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला होगा चेकबॉक्स, तो ये भी आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा प्लेस होल्डर कहा गया, तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब लिखते हैं एंटर डेट के बाद आप सबको शायद से चेक बॉक्स देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एंटर मतलब ये हट चुका है हमारा यहाँ पे आप सभी को जो मिल रहा था एंटर डेट। अब यहाँ पे आपको इनपुट टाइप चेक बॉक्स देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं इनपुट के बाद आपको लिखना है आईडी। आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे आप सभी को लिखना है आईडी, ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा आईडी। यहाँ पे आप आईडी में कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ आईडी के अंदर यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किलोग्राम। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारा किलोग्राम्स। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा टाइप का थोड़ा इसे मैं हटा देता हूँ, और हमारे टाइप का अभी चेक करते हैं हमारा क्या ओपन हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा चेकबॉक्स ही आपको शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है, अगर आपको एक लेबल टैग होता है वो आप सभी को यूज़ करना होता है, फिर आप सभी को एक न्यू टाइप मिलेगा
और उसके अंदर आप सभी लिख पाओगे। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो मैंने प्लेस होल्डर के अंदर एंटर डेट लिखा, यहाँ पे चेकबॉक्स मिल गया और हमारा इनपुट टाइप यहाँ पे आईडी मिल गया और टाइप मिल गया। तो आप दो तरीके के लिख सकते हो, सबसे पहले एक होता है आईडी और एक टाइप। तो ये टाइप आप सबको तो पता ही चल गया होगा। चलिए मैं और टाइप दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप सबको मैं यहाँ से अभी आईडी हटा देता हूँ, क्योंकि आईडी के बारे में आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आज हम लोग जानते हैं बस इनपुट टाइप के बारे में। उसके बाद मैं आगे के वीडियोस में आप सबको बताऊँगा हमारे टाइप के बारे में जब हम यूज़ करेंगे हमारा लेबल टैग। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर से, फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं हमारा नंबर टैग के बारे में, नंबर टैग क्या होता है। तो इसे मैं हटा देता हूँ, इक्वल टू का सिंबल देता हूँ, तो हमारा इक्वल टू का सिंबल। अब फाइनल दोस्तों यहाँ पे हमारा वीएस कोड हमें सजेस्ट किया था, तो देखते हैं यहाँ पे इसे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे हटा दो, इक्वल टू का सिंबल। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप मिलते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ये होता है, तो चलिए मैं नंबर का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे बस नंबर लिख पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मैं नंबर लिख रहा हूँ पर वर्ड्स नहीं आ रहा है, बस ई लेटर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। देख सकते हो मैं बाकी सब टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो मतलब हमारा नंबर। तो नंबर मतलब हमारा जो ई था वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू थी शायद, तो इसके वजह से वो हमारा मतलब आ रहा था, लेकिन बाकी सब यहाँ पे आपको बस नंबर ही लिखते आएगा। तो ये होता है हमारा नंबर के। तो यहाँ पे आप बहुत सारे आप मिल जाएंगे आप सभी को जब आप मतलब वी एस कोड में यूज़ करोगे, टाइप लिखोगे इनपुट टाइप, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रेडियो, रेडियो क्या होता है यार, तो ये भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो रेडियो आप सबको एक सिंबल सर्कल प्रोवाइड करता है जो आप सबको पता होगा। तो ये रेडियो टैग क्यों काम आता है आप सबको पता है, जब आपको कुछ दो चीज़ें आप लिख कर देते हो और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है यस या नो, तो ये बहुत काम आता है हमारा रेडियो टैग। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मैंने इनपुट टैग। अब कल बात करें लेबल टैग और हमारे आईडी के बारे में, आईडी क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जी।